हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीट लेवल सेकंड के शिफ्ट 4 के साइंस के क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। साइंस के क्वेश्चन 121 से 150 तक 30 क्वेश्चन हैं। हम 121 से स्टार्ट करेंगे। यह पेपर कोड ए का सॉल्यूशन है। फर्स्ट क्वेश्चन, एलईडी का पूरा नाम है प्रकाश उत्सर्जक डॉल, प्रकाश उत्सर्जक डायनेमो, प्रकाश उत्सर्जक ड्रम, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड, अर्थात प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सेल परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर होगा सी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। तो इसका आंसर होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अर्थात इसका आंसर सी होगा, क्योंकि फर्स्ट में बुध होता है, बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद में बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिपरकता। तो विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता तो क्या होती है, एक अच्छे परीक्षण का मापदंड होते हैं, जबकि व्यक्तिपरकता इसका मापदंड नहीं होती। तो 124 क्वेश्चन का आंसर होगा डी, व्यक्तिपरकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की सूखी डंडियों से चावल के पृथक्करण में प्रयुक्त प्रक्रम है हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन, चालन। तो यहाँ इसका आंसर होगा थ्रेसिंग। ये क्वेश्चन लेवल सेकंड के थर्ड शिफ्ट में भी आया था। इसका आंसर होगा बी, थ्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र जल से साधारण नमक बनाने के प्रक्रम में प्रयुक्त एक पद है आसवन, संघनन, बाष्पन, निस्सिंदन। तो इसमें होगा सी, बाष्पन, क्योंकि हम समुद्र जल से साधारण नमक बनाते समय जल को वाष्पन विधि के द्वारा वाष्पित करके अलग कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के काटने के प्रभाव को उदासीन करने के लिए त्वचा पर लगाए जाने वाले कैलेमाइन विलयन में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है। तो इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट सी, अर्थात कैलेमाइन में सोडियम कार्बोनेट उपस्थित होता है। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड है H2O, CO, SO2, CO2। तो अम्ल वर्षा के लिए SO2 उत्तरदायी है। इसका आंसर होगा सी, और एक NO2 भी होती है। तो इसका आंसर होगा SO2 सी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म है पॉलीथीन PVC, पॉलीथीन मेलामाइन, बेकेलाइट PVC, बेकेलाइट मेलामाइन। तो यहाँ डी, इसका आंसर होगा डी, बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, जबकि यह पॉलीथीन और PVC दोनों क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग है, थर्मोप्लास्टिक है, और पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है, और मेलामाइन थर्मोसेटिंग है, और सी में बेकेलाइट थर्मोसेटिंग है, जबकि PVC थर्मोप्लास्टिक है। तो यहाँ इसका आंसर होगा डी, बेकेलाइट और मेलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलो जूल प्रति किलोग्राम इकाई में सर्वाधिक ऊष्मीय मान वाला ईंधन है CNG, LPG, पेट्रोल, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर होगा डी, हाइड्रोजन। सबसे अधिक किलो जूल प्रति किलोग्राम में जो ऊष्मीय मान होता है हाइड्रोजन का, उससे कम होता है LPG का, उससे कम CNG का, और उससे कम पेट्रोल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने में शिक्षण साधन का प्रकार है श्रव्य साधन, द्रव्य साधन, श्रव्य साधन, क्रियात्मक साधन। तो इसका आंसर होगा डी, क्रियात्मक साधन, क्योंकि विद्यार्थी प्रयोगशाला में क्रियात्मक कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी। मोनेरा में तो प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जबकि प्रोटिस्टा, तो इसका आंसर होगा प्रोटिस्टा बी, क्योंकि
क्योंकि प्रोटेस्टा में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को कहते हैं बीज, एंडोसन, फल, भ्रूण। तो इसका आंसर होगा फल, सी, क्योंकि अंडाशय फल में जबकि बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन। तो यहाँ सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जबकि ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजन श्वसन के काम में आती है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है? क्रेब चक्र, केल्विन चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, किण्वन। तो ग्लूकोज का पाइरूविक अम्ल में विघटन करना कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम गोल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया? रॉबर्ट ब्राउन, कैमिलो गोल्गी, ल्यूबेनोव। तो इसका आंसर होगा सी, कैमिलो गोल्जी। जबकि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोज की, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, और ल्यूबेनोव ने जीवित कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होती है? काली खांसी को हम लोग पर्टुसिस ही बोलते हैं। बोर्डिटेला पर्टुसिस, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, निसेरियाई गोनेरियाई। तो ये काली खांसी होती है बोर्डिटेला पर्टुसिस। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में त्वचा में सफेद स्वेद ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? एपोक्राइन, होलोक्राइन, एक्राइन, ये सभी। तो इसका आंसर होगा एक्राइन, सी। इस प्रकार के क्वेश्चन तीनों शिफ्टों में ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी कैल्सीफेरोल कमी से होने वाला रोग है? रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। तो इसका आंसर होगा रिकेट्स, डी, क्योंकि रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होता है, जबकि बेरीबेरी विटामिन बी वन की कमी से, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। इसका आंसर होगा डी, रिकेट्स। इस प्रकार के क्वेश्चन भी तीनों शिफ्टों में आया साइंस के में, जिसमें चारों ऑप्शन तो सेम है लेकिन इसमें ऊपर क्वेश्चन को चेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? अमीबा, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया। तो यहाँ इसका आंसर होगा हाइड्रा, बी, जबकि अमीबा में द्विविखंडन द्वारा और प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो इसका आंसर होगा बी, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है? FSH, TSH, ADH, GH। तो इसका आंसर होगा ए, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन संचारित रोग का उदाहरण है TB, कैंसर, गोनोरिया, न्यूमोनिया। तो इसका आंसर होगा सी, गोनोरिया एक यौन संचारित रोग है। खरीफ की फसल का उदाहरण है चना, मटर, मक्का और अलसी। इसका आंसर होगा सी, मक्का एक खरीफ की फसल का उदाहरण है, जबकि चना, मटर और अलसी रबी की फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है? स्मृति विधि, मूल्यांकन विधि, प्रक्षेपण विधि, कान विधि। तो इनमें सबसे प्राचीन विधि है स्मृति विधि। इसका आंसर होगा ए, यह परंपरागत रूप से बहुत पहले से चली आ रही है, जब से हमारे गुरुकुल परियोजना में चलती थी उसमें स्मृति के आधार पर ही शिक्षण करवाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सभी विषयों का मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य होता है शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, अर्थात इसका आंसर होगा सी, शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री 10 उपकरण में सम्मिलित नहीं है? प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप, पोस्टर, ग्रामोफोन। तो इसका आंसर होगा डी, ग्रामोफोन एक दृश्य उपकरण नहीं है, यह श्रव्य उपकरण होता है, जबकि तीनों प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप और पोस्टर दृश्य उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल F किसी क्षेत्र A पर लग रहा है, यदि
बल को दोगुना तथा क्षेत्र को आधा कर दे तो परिणामी प्रारंभिक दाब का होगा। तो जो हम बल यहाँ दाब का जो फॉर्मूला होता है P बराबर होता है F अपॉन A। जब हम F को आधा कर देंगे बल को तो ये हो जाएगा F बाई टू, और A को दोगुना बल को दोगुना कर दिया जाए तो यहाँ पे बल को दोगुना करने पे हो जाएगा 2F और क्षेत्रफल को आधा करने पर ये हो जाएगा A बाई टू। तो यहाँ से दो ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा 4F अपॉन A। तो इसका आंसर होगा 4 गुना, अर्थात प्रारंभिक दाब प्रारंभ का क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, इसका दूसरा सिरा है, संवहन प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, चालन प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा डी, ठंडा नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी क्या होती है, ऊष्मा की कुछ अलग होती है। ये क्वेश्चन शिफ्ट सेकंड में भी सेम यही क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन ऐसे कैसे रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर होगा डी, ये ठंडा नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी क्या होती है, ऊष्मा की कुछ अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है आवासीय दर्पण के पीछे तथा आवर्धित आवासीय दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर, वास्तविक दर्पण के पृष्ठ पर तथा आवर्धित वास्तविक दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। तो इसका आंसर होगा बी, आवासीय दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के लिए सर्वता सीमा होती है 10 अटर से 20,000 अटर, 10 अटर से 2,000 अटर, 20 अटर से 20,000 अटर, 20 अटर से 2,00,000 अटर। तो यहाँ इसका आंसर होगा सी, 20 अटर से 20,000 अटर, जिसे हम 20 अटर से 20 किलो अटर जी बोल सकते हैं। इस प्रकार हमारा लेवल सेकंड का थर्ड शिफ्ट 4 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार हमने तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन डाले हैं, आप इन्हें देखें।